सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो अंदर हम करने वाले हैं गेम चेंजर 5 का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो। ओके, तो सबसे पहले करते हैं फटाफट शुरू। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो आपके लिए नहीं बनाने वाला, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो, सारे फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो फटाफट चलते हैं शुरू। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले वर्ल्ड कप से जो फीचर था हमने स्टार्ट कर दिया उधर, उसके अंदर आपको सबसे पहले जो प्लेयर मीटिंग है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। कुछ डिस्कशन होता है कि आप वो पूछते हैं कि आप अपनी खुद की टीम बनाना चाहते हो या फिर हम आपको अपनी टीम बना के दें। ओके, तो मैं वहाँ पे यस कर लूँगा और आपको बता दूँगा कि आपको कैसे कैसे अपनी टीम बनानी है। ओके, तो अब फटाफट जो ऑप्शन आएगा येस का और नो का, मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ। तो ओके, मैंने यहाँ पर टीम का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया, साथ में अभी मेरा टीम बनाना अभी स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर अपनी टीम बना लेता हूँ फटाफट, और मैं अपना जितना भी है वो जल्दी जल्दी आपको फटाफट सारी चीज़ें बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे कर लेना है। ओके, तो चलो, तो मैंने यहाँ पे अपनी लगभग लगभग टीम चुन लिया है, जितने भी खिलाड़ी थे उस लगभग लगभग थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। मुझे ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ मैं बता दूँ, और आप यहाँ पर मैं कर देता हूँ फटाफट स्टार्ट। और सीधा चलते हैं स्टार्टिंग में, इंग्लैंड में ये होने वाला वर्ल्ड कप है, जिसके अंदर मुझे सारी चीज़ें देखने मिल जाते हैं, होटल वगैरह, प्लेयर वगैरह। सर, मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, कोई भी स्टेडियम वगैरह चुन लेता हूँ। ओके, यहाँ पे टीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। टीम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होटल से वो स्टेडियम की तरफ हमारा आ जाता है बस, और जिससे कि हमको देखने को मिलता है वहाँ पे कुछ फोटोग्राफी हमको देखने को मिलती है। वहाँ उसके बाद होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमको थोड़ा बहुत फीचर वहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा स्किप। ओके, तो सीधा चलते हैं हम मैच की तरफ। तो चलो, मैच तो अभी स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद मैं तो बता दूँ इस गेम के लिए अंदर बता दूँ थोड़ा सा कि इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत जो गेम प्ले वो सही से देखने को मिला है, क्योंकि अभी कैमरा एंगल वो थोड़ा सा सही से अभी इनको इन्होंने बनाया है। अभी भी गेम्स के अंदर थोड़े बहुत बक्स है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा थोड़ा बहुत बक्स है। उसके बाद मैं बात करूँ तो कैमरा एंगल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि अभी जो पहले कैमरा एंगल इतना ज़्यादा हिलता था ना कि बैटिंग करना बहुत हार्ड होता था, बट अभी वो हार्ड नहीं होता है। ओके, अभी वो सही से काम कर रहा है कैमरा एंगल, तो ये एक चीज़ बेटर हुई है। तो यहाँ पे ये कैमरा एंगल थोड़ा सा सेट लगता है आपको। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। ओके, तो ओके, अभी हम नेक्स्ट फीचर की तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो बॉलिंग का कैमरा एंगल है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। बॉलिंग का कैमरा एंगल वही है जो ऊपर से आपको डालना पड़ता है बॉलिंग को। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको बैटिंग शॉट्स वगैरह ज़्यादा कुछ चेंजेस तो देखने को नहीं मिले, बाकी सारे सारे वही है, बस कैमरा एंगल के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के टाइम पे। अभी चलते सीधा आईपीएल के ऑप्शन पे। आईपीएल ऑप्शन के अंदर जब आप जाओगे वहाँ पे अपनी टीम सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप अपना जो भी है वो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कि कौन कौन सा लेना। उसके बाद यहाँ पे स्क्वाड अपडेट आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आप अपने जरिए कोई भी स्क्वाड अपडेट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे जो मेन फीचर है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। चलो मैं बताता हूँ, जैसे आप ऑक्शन स्टार्ट करोगे उसके बाद आप अपना जो भी प्लेयर आएगा उसके ऊपर ऑक्शन स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्शन हब पे आपको क्लिक कर लेना है सिंपली वॉलेट के ऊपर, या फिर ऑक्शन वॉलेट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, सीधा वॉलेट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम प्लस करते हैं जैसे कि 2400, 2800, 3200, 3800, 3400 और सीधा ओके करेंगे, तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे कि आपका वॉलेट है वो इंक्रीज हो चुका है। ओके, तो ये से आपको कर देखने को मिल जाता है वाला, जो पहले नहीं था वो अभी सही से सेट हो चुका है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। अभी चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। जो नेक्स्ट फीचर हमारा PSL, जो उसके अंदर चेंजेस ये हुआ है कि अभी एक अलग से टूर्नामेंट बना दिया गया है PSL का, जिसके अंदर आपको सारी टीमें वगैरह देखने को मिल जाती है, रियल लोगों वगैरह सारी चीज़ें आपको रियल की रियल देखने को मिल जाती होगी। तो उसका मैं गेम थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी स्टेडियम सेलेक्ट कर लेना, कोई भी आप ईजिली आप खेल पाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी स्कोर वगैरह यहाँ पे अपडेटेड है, तो आप वहाँ से इजीली वो स्टार्ट कर पाओगे। कैमरा एंगल वगैरह यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम देखने को मिलता है। स्टेडियम के अंदर जो जो होता है ऑडियंस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत आंखों में भी चुभता है वो कभी कभी, तो ये थोड़ा सा सही से होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा हिलता डुलता है ऑडियंस, तो इतना ज़्यादा हिलता डुलता है ऑडियंस भी आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कैसा लगा ये क्राउड वाला। तो मुझे तो उतना अच्छा पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलता जुलता है, तो मतलब आंखों में चुभता है कभी कभी, ये तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, बाकी सब ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जर्सी है वो दोनों देखने को नहीं मिलती, सिर्फ एक ही देखने को मिलती है, रेड वाली। कोई प्लेयर के अंदर आपको दोनों जर्सी देखने में मिल जाएगी। ओके, ये सब हो जाएगा। बॉलिंग के टाइम पे मैं जैसा बोला था कि आपको ऊपर वाला ही कैमरा देखने को मिलता है, आपको जो नॉर्मल कैमरा एंगल है वो आपको देखने को नहीं मिलता, सिर्फ एक ऊपर वाला कैमरा ही आपको देखने को मिलता है। ओके, तो बस यही था इस आज की कुछ वीडियोस के अंदर, आज की वीडियोस के अंदर वही यही सब था। और साथ में आपको एक आईपीएल के बारे में बता दूँ, आईपीएल के अंदर अभी आपको एक अलग टूर्नामेंट के अंदर आपको 10 की 10 टीमें देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको सारे सारे जो स्क्वाड अपडेट है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके,
तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, साथ बेल आइकन को भी।